मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि अब तो जान के लाले पड़ गए, महल से निकल जाना बहुत जरूरी है, अब क्या किया जाए। उसके लिए ये कोई मुश्किल काम तो था नहीं। चौकीदारों की आंखों में धूल झोंकी और गुलजान और शागिर्द महल से 9, 2, 11। अब सारे महल में ढुढ़ैया पड़ गई। सबको यकीन हो गया कि हो न हो ये सारी हरकतें मुल्ला नसरुद्दीन की हैं और निकले उसको ढूंढने। और मुल्ला नसरुद्दीन खुद मुल्ला को ढूंढने में सबसे आगे था। इधर बादशाह ने गुलजान के बाप और चाय खाने के मालिक को पकड़कर उनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दे दिया था। ओहो, अब क्या करेगा मुल्ला नसरुद्दीन। ऐसा गमजदा मत होइए, दुनिया में गुलजान तो हजारों हैं। नहीं नहीं, कहाँ है हमारी गुलजान से किसी का क्या मुकाबला। अरे अरे, तूने तो देखा था उसे। जी आली जा। लेकिन जहापना, ख्वाजा नसरुद्दीन जैसा काफिर भी एक ही है। आज तो जश्न मनाने का मौका है हुजूर। जी हाँ हुजूर, आज तो जश्न का मौका है। बिल्कुल हुजूर, बिल्कुल। बात तो दुरुस्त है, इस कमबख्त ने हमारी दिन की नींद और रातों का चैन हराम कर रखा था। जी हाँ हुजूर, इस नामुराद ने आप ही को नहीं बल्कि दुनिया भर के बादशाहों को परेशान कर रखा था। लेकिन बाकी बादशाहों में ऐसी हिकमत और हिम्मत कहाँ जैसी आप में, तभी तो आपने उसे चुटकियों में गिरफ्तार कर लिया। हमने कहा वो तो इन्होंने पकड़ा है उसे। शुक्रिया हुजूर। जहां बना, भला आपकी मर्जी के बिना ये कुछ कर सकते हैं? अरे आप ही ने तो इन्हें इतनी अकल और दानिशमंदी बख्शी है जो ये ख्वाजा को गिरफ्तार कर सके। हाँ तो ठीक है, आप आज ही उस काफिर का काम तमाम कर दें। जाओ। जी जहां बना। ठहरो, लेकिन आज वो जश्न जरूर होना चाहिए। ऐसा जश्न कि जिसे हमारी पूरी रियाया देखे। होगा, जश्न जरूर होगा जहां बना। तुम लोग उसे ठिकाने लगाने का इंतजाम करो, और एक बात का ध्यान रहे, ये काम चुपचाप होना चाहिए, किसी को कानों कान भी खबर ना हो। तब तक हम जहां पना के साथ जश्न के बारे में मशवरा करते हैं। अरे जरा सी देर के लिए मुझे जमीन पर रख दो भाई, ताकि मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूं और अल्लाह से दुआ मांग सकूं। अल्लाह से दुआ मांगेगा? चल मांग ले। अरे कमबख्त, अरे रखने के लिए कहा था,
अरे पटक क्यों दिया? अरे भाई, ये भाई मेरा मुंह किसी मस्जिद की तरफ कर दो, हम कहाँ हैं? अरे हम कुरैशी दरवाजे के पास हैं, यहाँ चारों तरफ मस्जिद हैं, चलो जल्दी जल्दी करो। या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, या अल्लाह किसी नेक और अच्छे आदमी के दिल में ये डाल दे कि जो मैंने 10,000 तनके दफन किए हैं उनकी वो एक मस्जिद बनवाए और 1 साल तक मेरा फादा करता रहे। अरे ख्वाजा, मैं तो तुम्हें यूं ही छोड़ देता है, लेकिन क्या है कि अगर हम तुम्हें छोड़ देंगे ना तो अमीर तो हमारी गर्दनें कटवा देगा, क्यों है? और रहा मस्जिद का सवाल, तो वो मैं बनवा दूंगा। है शुक्रिया शुक्रिया। बस तुम इतना बता दो कि तुम्हारे वो 10,000 तनके हैं कहाँ पर हैं? बड़े नेक दिल इंसान हो भाई। ये बताओ कि हम कुरैशी कब्रिस्तान के किस कोने में हैं? मशरकी कोने में। हाँ, तो मगरबी कोने में 3 कब्रें 10-10 गज के फासले पर बनी हुई हैं। उनके पत्थरों के नीचे मैंने 3,000 तनके गाड़ दिए हैं। उसी के पास एक छोटी सी कब्र है, उसके नीचे 1,000 तनके गाड़े हैं। मगरबी कोने में? हाँ भाई, मगरबी कोने में। अच्छा, हो रहा आगे है। हाँ भाई, बड़े नेक दिल इंसान हो, अपना वादा भूल मत जाना। अरे नहीं, बस मुझे ले चलो यहाँ। नहीं नहीं नहीं, अब मैं मरना चाहता हूँ, मुझे ले चलो। नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसी जल्दी भी क्या है? पहले मैं ये तो देख लूँ कि तुम सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। मैं बस अभी आया। जल्दी आना, इस बोरे में बड़ी बदबू है। कौन बोला? हट जा यहाँ से। बन गई सोना, बन गई सोना, बन गई सोना। क्या है? कौन है तू? हर शख्स यही सवाल करता है। ए मुसाफिर, तू जो भी है मैं तुझे बताता हूँ, लेकिन एक शर्त पे, कि सुन के भाग जा यहाँ से, मुझे परेशान मत कर। अच्छी बात है, मैं वादा करता हूँ किसी से नहीं कहूँगा। किसी से नहीं कहोगे? तो सुनो, ये थैला मैंने विलायत के किमियागार से 600 तन के देकर किराए पर लिया है। 600 तन के देकर? ये सरियल थैला? अरे पागल हो तुम, सुनते हो कि नहीं? उसने कहा था 2 ईंट लेकर इस थैले में घुस जाना। 2 ईंट लेकर इस थैले में घुस गए? अच्छा, और थोड़ी देर के बाद तुम्हारे पास 3 भूत आएंगे। 3 भूत? वो तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे। अरे छोड़ दो। लेकिन तुम घबराना नहीं, हंसते रहना, हंसते रहना, और कहना मेरे गधे की तुमको चूमो। तुम करे क्या बोल रहे हो? अरे उठा के फेंको इसे।
बादशाह अमीर आजम तशरीफ ला रहे हैं। आफ्ताब जहां ने अपनी रियाया में से तीन लोगों के जुर्मों का फैसला किया है। इनमें से दो ने अमन में खलल डालने और फूट फैलाने वाले बदमाश ख्वाजा नसरुद्दीन को पनाह दी थी। अमीर आजम का हुक्म है कि हसन कुम्हार और चाय खाने के मालिक को 50-50 कोड़े लगाए जाए। लेकिन उससे पहले आप सबके सामने पेश किया जाएगा तीसरा मुजरिम, सल्तनत का सबसे बड़ा दुश्मन, वो बदमाश ख्वाजा नसरुद्दीन। वही सरफिरा नसरुद्दीन जिसके बारे में हमने सुना है कि ना तो उसे कोई पकड़ सकता है और ना ही कोई मार सकता है, लेकिन हमने शहर के सुल्तान ने, अमीर आजम ने ना तो उसे सिर्फ कैद किया है बल्कि मौत की गोद में भी सुला दिया है। आज हम खुद उसे आप सबके सामने यहां पेश करेंगे। सल्तनत के हुक्म से ऐलान किया जाता है कि शहर के जिन लोगों ने उस मुर्दार नाहनयार ख्वाजा नसरुद्दीन को पनाह दी थी उन्हें बजाय कोड़ों के कत्ल कर दिया जाए। Ha 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 ha
आलीजा, आपने इन्हें कत्ल करने का हुक्म इसलिए दिया इन्होंने ख्वाजा नसरुद्दीन को पनाह दी, लेकिन आलीजा मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इन्होंने उसे पनाह नहीं दी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ख्वाजा नसरुद्दीन खुद कहाँ है। कहाँ है आलीजा? मैं उसे अभी इसी वक्त आपके सामने पेश कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, और वो शर्त यह है कि जिस किसी ने भी ख्वाजा नसरुद्दीन को पनाह दी, उसे अपने घर में रखा, उसे खिलाया पिलाया, इनाम इकराम दिया, उसे अभी इसी वक्त यहाँ पर कत्ल करने का हुक्म दिया जाए। अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं अभी इसी वक्त बताता हूँ कि ख्वाजा नसरुद्दीन कहाँ है। जिस शख्स ने भी ख्वाजा नसरुद्दीन को पनाह दी है, हम उसे कभी नहीं बख्शेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा शख्स क्यों ना हो। हमें आपकी शर्त मंजूर है, उसे पेश किया जाए। सुना आप लोगों ने? आपके अमीर ने अभी अभी आपके सामने ये वादा किया है कि जिस किसी शख्स ने ख्वाजा नसरुद्दीन को पनाह दी है, उसे इसी वक्त यहां पर कत्ल कर दिया जाए। सुना आप लोगों ने? तो मैं अभी इसी वक्त ख्वाजा नसरुद्दीन को इस वादे की बुनियाद पर आपके सामने पेश कर रहा हूं। ख्वाजा नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन, नसरुद्दीन जिंदाबाद, नसरुद्दीन जिंदाबाद। हाँ, वही नसरुद्दीन जिसे इस अमीर ने अपने महल में पनाह दी। नसरुद्दीन जिंदाबाद, नसरुद्दीन कहिए जहां पनाह, क्या फैसला है आपका और क्या फैसला है आप सबका?